25 का फ्रंट एलिवेशन है, 25-45 इसकी डायमेंशन है, ठीक है। 5 मरले का डबल स्टोरी घर है। ये इसका रोड साइड है, तकरीबन 20 फुट रोड है इधर वाली साइड पे भी। ये इसका मेन एंट्रेंस, ये इसका गैराज है। एक गाड़ी जो छोटी गाड़ी होती है उसका ये गैराज है। ये छत है सर, ये इसका सीढ़ियों का दरवाज़ा है। ये इसका मेन एंट्रेंस है, देखें ये कितना आलीशान एंट्रेंस बनाया हुआ है। मार्बल फ्लोर है। ये वॉल आपको मिलती है टीवी लॉन में, फीचर्ड वॉल। उसके साथ ही ये ड्राइंग रूम, ठीक है, इतना देखें आलीशान बना हुआ। ये किचन है, इन्होंने कवर्ड किया हुआ है, अगर कोई ओपन करना चाहेगा तो ओपन भी हो सकता है। ये जोहो टाउन में घर है जी, तो रेनोवेटेड घर है। अगर कोई इन्वेस्टर लेना चाहे तो उसे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। ये ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं, ये पहला कमरा है, मार्बल फ्लोर है, कबर्ड्स बनी हुई हैं। उसके बाद ये देख लें जी, दीवारों पे वॉल पैलिंग हुई हुई है, ये निशेस बनी हुई हैं दीवारों में। ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की है, हर कमरे के साथ खिड़की है। ये इसका वॉशरूम है, मास्टर वॉशरूम है। दरवाजे एशवुड के लगे हुए हैं जी। सारे एशवुड के दरवाजे हैं। ये दूसरा बेडरूम है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। एशवुड का दरवाजा है, इसमें मार्बल फ्लोरिंग है। कबर्ड्स बनी हुई हैं। दीवारों के ऊपर वॉल सेलिंग हुई हुई है। इसके साथ भी एल्युमिनियम की आपको विंडो और ग्रिल मिलती है, और अटैच वॉशरूम है, बड़ा आलीशान वॉशरूम बना हुआ है। ये एग्जॉस्ट फैन है। ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, ये मैं आपको दिखा दूं, ये दरवाजा है। अगर आप सेपरेट करना चाहें, ऊपर का रेंट आउट करना चाहें, तो आप यहाँ से सेपरेट इसके एंट्रेंस कर सकते हैं, यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं और यहाँ से एंट्रेंस कर सकते हैं। ये ऊपर छोटे रूम का वॉशरूम है। मुकम्मल टाइल लगी हुई है ऊपर तक। ये
सारी कबर्ड्स हैं इस रूम की। जी, ये हम एंटर हो गए ऊपर वाले पोर्शन में। ये दूसरा बेडरूम है छोटा, इसमें भी आपको फीचर्ड वॉल मिल जाती है और कबर्ड्स, इसमें भी चार कबर्ड्स हैं। ये देखें, सीलिंग हुई हुई है, पैलिंग हुई हुई है सारी। ये आपको खिड़की मिल जाती है 3x4 की वेंटिलेशन के लिए। अटैच वॉशरूम, 7.5 फुट तक तकरीबन टाइल लगी हुई है वॉशरूम में। उसके बाद तीसरा बेडरूम, इसमें भी मार्बल फ्लोरिंग है, सामने आपको विंडो मिल जाती है। ये कबर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका अटैच वॉशरूम है, 7 फुट तक टाइल लगी हुई है, सारा काम कंप्लीट हुआ हुआ है, कंबोर्ड लगा हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। ये इसका टीवी लॉन है, टीवी लॉन में भी आपको मार्बल लगा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फीचर्ड वॉल्स हैं, सारी पैलिंग हुई हुई है, ठीक है। ये ऊपर का किचन है, बड़ा किचन है ओपन, ठीक है। ये गैस कनेक्शन है इसका, ये पानी का, और ये ऊपर बर्तन रखने के लिए, और ये चूल्हे के लिए है। उसके बाद ये आप टेरेस पे आ गए। ये सारी ऊपर छत है जी, और टैंकी भी रखी हुई है साथ इन्होंने, और ये सारा है।